अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर फाइन एंड लर्निंग एंड राइटिंग योर लेसन वेरी वेल और विद ग्रेट एफर्ट. नाउ कम टू चैप्टर नंबर 6 द ट्विंस एंड वी स्किप चैप्टर नंबर 5 अ मैजिक शो. कम टू ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स. इन फॉर्म एंड फीचर बनावट और खदोखाल, फेस एंड लिम्ब चेहरे और टांगों में, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर मैं अपने भाई जैसा ही बड़ा हुआ या जवान हुआ, दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम और लोग मुझे समझने लगे, एंड ईच फॉर वन अनदर एक दूसरे को एक दूसरे की जगह पर, इट पजल्ड ऑल आर किप एंड किन इसने मुश्किल में डाल दिया मेरे तमाम रिश्तेदारों को, इट रीच्ड अ फियरफुल पिच और इस मुशाबियत ने एक मामला खौफनाक हद तक पहुंचा दिया, फॉर वन ऑफ अस वाज बॉर्न अ ट्विन हम दोनों में से एक जुड़वा पैदा हुआ था, येट नॉट अ सोल न्यू विच और ताहम किसी भी रूह को ये मालूम ना हो सका कि कौन कौन है, वन डे टू मेक द मैटर वर्स एक दिन मामला और बिगड़ गया, बिफोर आर नेम्स वर फिक्स्ड जब हमारे नाम लिखे जाने लगे या रखे जाने लगे, एंड वी वर बीइंग वॉश्ड बाय नर्स और हमें नर्स के हाथों नहलाया गया, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड हम मुकम्मल तौर पर अदल बदल गए, एंड थर्स यू सी बाय फेट्स डिस्क्री और इस तरह यकीन कर लो कि तकदीर के हुक्म से और रादर नर्स विम या फिर किसी हद तक नर्स की ख्वाहिश के मुताबिक, माय ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड मी मेरे भाई का नाम जॉन रखा गया मेरी बजाय या मेरे बजाय, एंड आई वॉज नेम्ड हिम और उसका नाम मुझे दिया गया, दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉग इस मसले ने हमेशा मामला खड़ा कर दिया, माय फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल जब मेरे कदम स्कूल में थे, एंड आई ऑलवेज गेटिंग फ्लॉज्ड और मुझे हमेशा मार पड़ती थी, फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल क्योंकि जॉन अहमक साबित हुआ था, आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली मैं बेसूद या बेकार ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ या आपसे करता हूँ, टू एवरी वन आई न्यू हर एक पर जैसा कि मैं जानता हूँ, वट वुड यू डू आप क्या करेंगे, इफ़ यू वर मी अगर मेरी जगह होते, टू प्रूव दैट यू वर यू ये साबित करने के लिए कि आप हैं. इस पोइम को हेनरी एस ली ने लिखा है. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में यानी कि द ट्विंस में दो भाइयों की कहानी बयान की गई है कि किस तरह वो चेहरे कदोखार और बनावट में एक जैसे थे और हमेशा उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त हमेशा मसले में पड़ जाते थे क्योंकि वो उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते थे कि किसका नाम क्या है और कौन कौन है, और उनके नाम रखने से पहले जब डिसाइड हुआ था कि ये है ये है तो नर्स ने उन्हें नहलाकर फिर से मिक्स कर दिया, तो ये ना पता चला कि जॉन कौन है और दूसरा कौन है. और थर्ड पैराग्राफ में पोइट ने ये बताया है कि इस लाइकनेस यानी कि इस मुशाबियत ने हमेशा दोनों को मसले में डाला है क्योंकि जो उसका दूसरा भाई था वो अहमक था और हमेशा वो जॉन की वजह से मुसीबत में पड़ जाता था या जॉन उसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाता था. एंड लास्ट थ्री लाइन्स में पोइट आपसे पूछ रहा है कि आप उसकी जगह क्या करते अगर आप होते, या आपका अगर कोई ट्विन होता तो आप क्या करते अपने आप को ये साबित करने के लिए कि आप हैं. जी स्टूडेंट्स वर्ड्स मीनिंग देखिएगा. फर्स्ट वर्ड है आपका फीचर्स, खदोखाल एनी ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ फेस, लिम्ब अजु अंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉक्स लॉग खलकर, पीपल ऑफ स्पेसिफाइड क्लास, पजल हैरत ज़दा, टू बी फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज या आप टू बी फ्रस्ट्रेटेड कर लें या आप कंफ्यूज कर लें, किथ एंड किन अजीजो अकारे रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार,
सरदार, फियरफुल खौफ सरदार, फीलिंग फियर एंड एंजाइटी यानी कि खौफ या परेशानी महसूस करना। पिच आवाज का उतार चढ़ाव, द डिग्री ऑफ हाईनेस एंड लोनेस ऑफ अ साउंड यानी कि किसी भी आवाज का ज्यादा या कम होने का डिग्री, कम होने की डिग्री। डॉग मुस्तकिल मिजाज, परसिस्टेंट इन एफर्ट। लास्ट टू वर्ड्स देखिएगा, फ्लॉज्ड मार पीट करना, टू बीट विद द विप और स्टिक कोड़े या छड़ी से मारना। फ्रूटलेसली बेकार या नाकामी से, विदाउट रिजल्ट्स एंड सक्सेस। स्टूडेंट्स अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी और ये वर्ड्स मैंने कहा अपने साथ साथ अपनी कॉपीज पर लिखते जाना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर देखिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्वींस रिजेंबल एज मेंशन्ड इन द पोएम के पोएम में कैसा बताया गया कि वे एक दूसरे के साथ कैसे मिलते जुलते थे। इट इज मेंशन्ड इन द पोएम, ये पोएम में बयान किया जाता है या बताया जाता है दैट द क्वींस वर आइडेंटिटी कर के क्वींस यानी कि जुड़वा दोनों मुशाबियत रखते थे इन फॉर्म फीचर स्पेस एंड लिम, इन फॉर्म फीचर स्पेस एंड लिम, बनावट खदोखाल चेहरे टांगिया बाजुओं से। हाउ डिड पीपल टेक देम, आपका क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ डिड पीपल टेक देम, लोग उन्हें कैसे लेते थे। पीपल टुक देम टू बी सेम, लोग उन्हें एक जैसा लेते थे। कुड मेक नो डिफरेंस बिटवीन देम, और उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, व्हेन डिड द ट्विंस मिक्स अप, जुड़वा कब मिक्स हुए या मिला दिए गए। द क्वींस मिक्स अप व्हेन दे वर बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स, द क्वींस मिक्स्ड अप जुड़वा को मिला दिया गया व्हेन दे वर जब वो थे बीइंग वॉश्ड बाय द नर्स, नर्स के हाथों धुलवाए गए यानी कि जब नर्स ने उन्हें नहलाया तो वो दोनों आपस में मिल गए। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, What happened to the twins when they were at school? जब वो स्कूल में थे तो उनके साथ क्या होता था या क्या हुआ। When they were at school, जब वो स्कूल में थे, they were came for the police of each other. तो एक दूसरे की बेवकूफियों की वजह से उनको मार पड़ती थी यानी गलती एक ही होती थी तो मार दूसरे को पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा, What question did the poet ask in the last lines of the poem? शायर ने अपनी नजम की आखिरी चंद लाइनों में क्या पूछा है, क्या सवाल पूछा है। द पोएट आस्क द रीडर्स, जो पोएट है जो शायर है वो पढ़ने वालों से पूछता है, व्हाट दे वुड डू, वो क्या करेंगे, इफ दे वर इन हिज पोजीशन, अगर वो उसकी जगह या उसकी हालत में होते, हाउ वुड दे गेट देमसेल्फ आइडेंटिफाइड, तो वो अपने आप को या अपने आप की पहचान कैसे करवाते। स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, आपने इनको भी साथ साथ कॉपीज पर उतारना है। जी स्टूडेंट्स अब हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है, री राइट द फॉलोइंग लाइंस इनटू द सिंपल सेंटेंसेस। ये आपकी बुक के पेज नंबर 35 पर है जिसका बी पार्ट है और इसमें आपने ये करना है कि जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ना उनके मीनिंग्स लिखते हैं आप या अपनी लाइंस को सिंपल लाइंस में कन्वर्ट कर दें। That fox got taking me for him, जो इसका सिंपल सेंटेंस है, the people thought it was me instead of him. नेक्स्ट देखिएगा, for one of us was born our twin, इसका सिंपल सेंटेंस देखिएगा, we were born as twins. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर थ्री देखिएगा, we got completely mixed, सिंपल सेंटेंस देखिएगा, we were mixed together. Fourth sentence देखिएगा, this fatal likeness ever dog. Simple sentence देखिएगा इसका students, this fatal likeness always created trouble. Five sentence देखिएगा fifth, and I was always getting flogged. इसका simple sentence देखिएगा, and I was always beaten with a stick. अब हम exercise number C करेंगे। जी students, exercise
एक्सरसाइज नंबर सी देखिएगा, फिल इन ईच ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द टू गिवन इन ब्रैकेट्स। जो आपके पास ब्रैकेट में ये टू वर्ड्स जो दिए गए हैं, इनको आपने सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग लिखना है। यू लुक रादर डैश आर नॉट यू फीलिंग वेल। यहाँ पे उसकी सेहत के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक पेल होता है येलो जर्द रंग का और एक पेल होता है कोई भी बाल्टी भरी हुई। तो यहाँ पे कौन सा पेल आएगा? पी ए एल ई, पेल, यानी के येलो वाला, जर्द वाला। ही वेंट डाउन द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वॉटर। वो हिल यानी पहाड़ी से नीचे गया पानी की एक बाल्टी भरकर लाने के लिए। यहाँ पे पी ए आई एल वाला पेल आएगा। I have read dash all your answers, they are good। यहाँ पे थ्रो आएगा, T H R O U G H, केजरीए। द बॉय डैश द बॉल आउट ऑफ द विंडो। यहाँ पे T H R E W वाला थ्री आएगा, जिसका मतलब होता है फेंकना। थर्ड देखिएगा, वन द डैश यू हैव डन वेरी वेल इन योर एग्जाम। इसमें आएगा W H O L E होल, जिसका मतलब होगा तमाम। उसके बाद देखेगा, देयर इज डैश इन माई शू आई नीड्स मेंडिंग। मेंडिंग का मतलब होता है मुरम्मत करना। यहाँ पे H O L E होल यानी कि सुराख वाला होल आएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, द हेड मास्टर विल नॉट डैश योर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक्सेप्ट यानी कबूल करना। I have seen all important cities except Quetta, यानी कि मैंने तमाम जो है वो शहर देखे हैं except Quetta, Quetta के अलावा। Next देखिएगा, can you see the picture over there? क्या तुमने यहाँ तस्वीर पड़ी देखी है? They have all done their work very well। T H E I R वाला their यानी कि अपना। Mother gave me a dash of cake। उन्होंने मुझे केक का एक टुकड़ा दिया, पी आई ई सी ई, पीस, टुकड़ा। वी शुड लिव इन पीस विद ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ अमन सुकून से रहना चाहिए। यहाँ पे पी ई ए सी ई वाला पीस आएगा। आई डैश व्हाट यू सेड, मैंने सुना जो तुमने कहा। यहाँ पे हियर्ड आएगा, एच ई ए आर डी, हियर्ड, ठीक है। अ डैश ऑफ शीप वॉज गेजिंग इन द मिडोज, यानी के शीपों का यानी के भेड़ों का एक दस्ता जो है वो वहां पर चर रहा है चरागाहों में। नेक्स्ट देखिएगा, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक ऑफ द कार, बी आर ए के, वो जो ब्रेक लगाने वाली होती है ना, वो वाली ब्रेक आएगी, कि ड्राइवर ने जो है वो कार की ब्रेक उस पर दोबारा नहीं लगाई। द ग्लास विल ब्रेक, ये वाला ब्रेक जो है इसका मतलब होगा तोड़ना। इफ यू पोर हॉट वाटर इन इट, अगर आप उसमें गर्म पानी डालेंगे तो। They arrived there and dash later hall, यानी कि वो एक घंटा देर से आए। पाकिस्तान is our beloved homeland, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। My sister was sewing my shirt, मेरी जो बहन है वो मेरी शर्ट सी रही है। यहाँ पे sewing सीने वाला आएगा। She is sowing seeds in her garden, ये sowing का मतलब होगा कहीं भी बीज बोना। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो ऐसे होगी कि मेरी जो सिस्टर है वो गार्डन में यानी कि बाग में बीज बो रही है। एक्सरसाइज नंबर डी देखिएगा, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। लिम अ पार्ट ऑफ द बॉडी, लिम अ पार्ट ऑफ द बॉडी। किथ एंड किन रिलेटिव्स, किथ एंड किन रिलेटिव्स। फियरफुल, फीलिंग और शोइंग फियर और एंग्जाइटी, फीलिंग और शोइंग फियर और एंग्जाइटी। फ्रूटलेसली, विदाउट रिजल्ट्स और सक्सेस। क्वेश्चन नंबर जो आपका ई है वो आपको मैं बोर्ड पर करवाऊंगी। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर ए देखिएगा, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। आपकी बुक में ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। जो एक्टिव वॉइस है उनको पैसिव वॉइस में और जो पैसिव वॉइस है उनको एक्टिव वॉइस में। देखिएगा स्टूडेंट्स, Twins were being watched by the nurse. ये आपका passive voice है, आपने इसको active voice में change करना है। The nurse was washing the twins. The nurse was washing the twins. Next देखिएगा, he wrote a letter. A letter was written by him. A letter was
written by him. Next dekhiyega, John always speaks the truth. The truth is always spoken by John. The truth is always spoken by John. I puzzled my kith and kin. My kith and kin were always puzzled by me. My kith and kin were always puzzled by me. Fifth dekhiyega, our fatal likeness dog us. We were dog by our fatal likeness. We were dog by our fatal likeness. अब हम क्वेश्चन नंबर F देखेंगे स्टूडेंट्स जी. स्टूडेंट्स अब फ्रेजर वर्ब की डेफिनेशन देखेगा. आ फ्रेजर वर्ब इज अ वर्ब प्लस आ प्रपोजिशन और एडवर्ब विच क्रिएट्स अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब. यानी कि जब आपका प्रपोजिशन और एडवर्ब या वर्ब दोनों मिलकर एक नया वर्ड बनाएंगे तो वो आपका फ्रेजल वर्ब कहलाएगा. नीचे आपके पास दो एग्जांपल हैं, ड्रॉप ऑफ एंड गेट ऑन. स्टूडेंट्स आपकी बुक पे एक्सरसाइज नंबर F दी गई है जो कि आपकी एक एक्टिविटी है, वो मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ लिख दी है. स्टूडेंट्स इसको साथ साथ अपनी बुक्स पे नोट कर लीजिएगा. आई नीड टू गेट आ चांस. टू गेट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है. वी लुक आफ्टर आर कार. लुक आफ्टर आपका फ्रेजल वर्ब है. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. लुकिंग फॉर आपका फ्रेजल वर्ब है. आई कॉल्ड हिम ऑन यस्टरडे. कॉल्ड हिम आपका फ्रेजल वर्ब है. आई कम ऑफ विद फ्रेंड्स. कम ऑफ आपका फ्रेजल वर्ब है. स्टूडेंट्स जब आपने ये अपनी बुक पर लिखने हैं तो आपने जो फ्रेजल वर्ब है उनको हाईलाइट या अंडरलाइन जरूर करना है. अब हम समरी की तरफ आते हैं जी. स्टूडेंट्स समरी देखिएगा. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हेनरी एस ली. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हेनरी एस ली. ये नज़म हेनरी एस ली ने लिखी है या उससे लिखी गई है. ही एक्सप्लेन्स वो बयान करता है दैट ही वॉज बोर्न आर्टविन के वो जुड़वा पैदा हुआ था. एंड कम्प्लीटली आइडेंटिटिकल टू हिज ब्रदर और मुकम्मल तौर पर मुशाबियत रखता था अपने भाई से. Their relatives were always confused. उनके जो रिश्तेदार थे वो हमेशा confused, परेशान या puzzled रहते थे due to their likeness, उनके एक जैसा दिखाई देने की वजह से. One day when they were being washed, एक दिन जब उन्हें नहलाया गया, they were mixed by the nurse, तो वो nurse के हाथों मिला दिए गए. So they were christened wrongly. तो इस वजह से उनके जो नाम हैं वो गलत रख दिए गए. क्रिस्टन गलत, सॉरी नाम रखना रॉन्गली गलत. दिस लाइकनेस उनका एक जैसा होना ट्रबल देम मुश्किल में डाल देता था. एज दे वर जैसा कि केन फॉर द फुलिस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे की गलतियों की वजह से मार खाते थे. द पोइट आस्क द रीडर्स, जो हमारा शायर है वो पढ़ने वालों से पूछता है, व्हाट वुड यू डू, तुम लोग क्या करते इफ़ यू वर एट हिज पोजिशन, अगर तुम लोग उसकी जगह पर होते. स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है. अल्लाह हाफिज़.